अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के बल गांव के चेकडैम में नहाते वक्त डूबे हुए युवक का शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि दो दिनों तक चेकडैम के अंदर सर्च ऑपरेशन किया गया और गोताखोर ने भी शव को तलाश करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन शव नहीं मिला था। शनिवार सुबह के समय स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा शव को तैरते हुए चेकडैम में देखा तो पुलिस को सूचित किया गया, जिस पर हमीरपुर SHO संजीव गौतम SI पूजा की अगुवाई में टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। हमीरपुर के बल गांव के चेक डैम में नहाते वक्त डूबे हुए युवक का शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि दो दिनों तक चेक डैम के अंदर सर्च ऑपरेशन किया गया और गोताखोर ने भी शव को तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन शव नहीं मिला था। शनिवार सुबह के समय स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा शव को तैरते हुए चेक डैम में देखा तो पुलिस को सूचित किया गया, जिस पर हमीरपुर SHO संजीव गौतम SI पूजा की अगुवाई में टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि कुठेड़ा गांव के 15 वर्षीय आदित्य 3 दिन पहले से गायब था और पड़ताल करने से पता चला कि आदित्य अपने दोस्तों संग बल गांव के साथ बने चेक डैम में नहाने के लिए गया हुआ था। चेक डैम के बाहर आदित्य के कपड़े और जूते बरामद हुए थे, लेकिन शव का कोई पता नहीं चला था। आदित्य के इस तरह से गायब होने से कई तरह के कयास लोगों द्वारा लगाए जा रहे थे, लेकिन चेक डैम के अंदर ही शव बरामद होने से सभी बातों पर विराम लग गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातें साफ हो सकेंगी।